छोटे उम्र में शांति के लिए, खुशी के लिए दारू, तंबाकू, कांजा, ऐसा व्यसन उन्होंने शांति के लिए इस्तेमाल किया। बाद में वो उसी वस्तुओं का गुलाम बन गया, दारू तंबाकू ऐसा बात से उनका जीवन नाश हो गया था। उनको बचाने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में उनको लेके गया, लाखों रुपया खर्चा किया। पुलिस लोग भी दो तीन डिटेंशन सेंटर में उनको लेके गया था। बहुत उम्मीद से सब जगह पर गया, पर निराशा था। फल पैसा खर्चा किया, सब कुछ किया, पर उनके जीवन में बदल नहीं आया। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षेत्र में नाश हो गया। परमेश्वर ने दिया उनका वाइफ, दो बच्चे, सब एक ही व्यक्ति का दारू के कारण पूरा परिवार अशांति में था, सब कुछ नष्ट हो गया था। परंतु सनी कुमार के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किया, इसलिए वो अद्भुत गवाही आपके सामने बता रहा था। यीशु मसीह का सुसमाचार उनके जीवन में छुटकारा का कारण हो गया। जो दारू, जो बीड़ी का गुलाम था, पर यीशु मसीह ने उसी गुलाम से उनको आजाद किया, एक नया जीवन उनको दिया। जो शांति दारू नहीं दिया, जो शांति तंबाकू ने नहीं दिया, जो शांति बीड़ी नहीं दिया, उससे बढ़कर यीशु देने वाला शांति, यीशु मसीह ने ऐसा कहा, मैं मेरा शांति मैं तुमको देता है, जो शांति संसार देता है ऐसा नहीं। सुनने वाले लोगों, इस सलीम कुमार के जीवन के समान आपका जीवन भी अंधकार में है। क्या आपके जीवन में शांति नहीं, आपके जीवन में खुशी नहीं? यीशु मसीह आपको शांति देगा, यीशु मसीह आपको खुशी देगा। यीशु मसीह 2000 साल पहले ऐसा कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्रामा देगा। आप पाप के गुलाम है, पाप के बोझ लेके घूमने वाला व्यक्ति है, तो यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा, यीशु मसीह आपको अजाद करेगा। कारण जैसे भाई से सुना, यीशु मसीह इसलिए संसार में आया हमको शांति देने के लिए, हमको पाप से छुटाने के लिए, हमको नया जीवन देने के लिए। पिछले आने वाले दिन शुक्रवार, पूरा दुनिया गुड फ्राइडे, बाद में रविवार को ईस्टर करके मनाता है। क्या के लिए यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हो गया? क्या कारण से यीशु मसीह जी उठा? यीशु मसीह क्रूस में बलिदान होने का कारण ही था मनुष्य के पाप। यीशु मसीह नाम का अर्थ भी उद्धार करता है। उद्धार बोले तो ऐसा सोचता है, कोई पानी में गए व्यक्ति को बचाता है, आग में गए लोग को बचाता है, कुछ आर्थिक प्रॉब्लम से उनको बचाता है, नहीं, इससे बढ़कर है। पानी में गए व्यक्ति को कोई मनुष्य बचा सकता है, आग से गए व्यक्ति को कोई मनुष्य बचा सकता है, परंतु मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए कोई मनुष्य से नहीं हो सकता है, कारण मनुष्य सब पापी है। बाइबल ऐसा कहता है, धार्मिक कोई नहीं, नीतिमान कोई नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। पर उस मनुष्य को छुड़ाने के लिए स्वर्ग से परमेश्वर मनुष्य होकर संसार में आया, मनुष्य के पाप को अपने ऊपर लेकर, जहां आप मरना चाहिए था वहां आपके जगह पर यीशु मसीह ने क्रूस में बलिदान हो गया। यीशु मसीह क्रूस में मरने का कारण ही था मेरा और आपका पाप। आप उस यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के ऊपर के विश्वास के द्वारा आपको पाप का क्षमा मिलेगा, आपको पाप से छुटकारा मिलेगा। आप